तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड में। दोस्तों आज आपका भाई हिमाचल के निकल रहा है और माँ चिंतपूर्णी के दर्शन करने जा रहा है और साथ में वहाँ पर दोस्तों एक पौंग डैम है वो आपको दिखाएगा। दोस्तों अभी मैं लुधियाना से बस निकल ही रहा हूँ तो हमारे कुछ भाई केरला से हैं और वो जो है कि ट्रक ड्राइवर हैं और उनको हिसार जाना था, वो थोड़ा सा गलत जा रहे थे, उन्होंने मुझे रुकवाया और हिसार जाने का रास्ता पूछा। तो ये हमारे ड्राइवर भाई, हेलो बोलो सर। हेलो। तो ये इन्होंने हिसार जाना है तो आगे जो फ्लाईओवर आएगा उधर से मैं इनको रास्ता बताया कि आप उधर से जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट और आज आपका भाई हिमाचल के निकल रहा है और आज मोटो ब्लॉग होने वाला है। दोस्तों उसमें क्या है कि आपको माँ चिंतपूर्णी के दर्शन कराऊंगा और साथ में पौंग डैम है और हिमाचल की क्या वादियाँ हैं वो सब आपको दिखाऊंगा। दोस्तों तो आइए दोस्तों, आज ज़बरदस्त बहुत कुछ होने वाला है। दोस्तों मिलते हैं आगे चलकर। तो दोस्तों अभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा लिया हूँ और लगभग 300 रुपये का तेल डलवाया हूँ, जो कि अपनी बाइक दोस्तों सुपर स्प्लेंडर आप देख सकते हैं, सुपर स्प्लेंडर अपनी बाइक है और स्प्लेंडर प्लस अपनी बाइक है। और दोस्तों मैं घर से 7 बजे निकला था और दोस्तों अभी मैं हूँ लाडोवाल के पेट्रोल पंप पर, जो कि लुधियाना से जलंधर वाले रोड पर है। और दोस्तों यहाँ से हमें निकलना है फगवाड़ा, फगवाड़ा से होशियारपुर, होशियारपुर से फिर दोस्तों पंजाब के बाद जो है हिमाचल का रास्ता शुरू होगा। आइए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये है टोल प्लाजा लाडोवाल का, जो कि सबसे व्यस्त जो है कि टोल प्लाजा है। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पीछे वीडियो में आपने देखा कि मैं वहाँ से फिलौर से निकल चुका था और फगवाड़े के लिए जा रहा था। दोस्तों अभी मैं जा रहा था और रास्ते में एक भाई साहब मिले, एक साइकिलिस्ट मिले, जो कि महाराष्ट्र से चलकर और जो है कि वो सीधा वहाँ जा रहे हैं, बाघा बॉर्डर तक आ रहे हैं अमृतसर, और वहाँ से वो उनकी जो जर्नी है वो जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। और दोस्तों साइकिल से आप समझ सकते हैं कि लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना जुनून है लोगों के अंदर। तो आइए दोस्तों मिलवाते हैं उस भाई से जो कि इतना दूर महाराष्ट्र से चलकर यहाँ हमारे पंजाब में आ चुके हैं। दोस्तों क्या बात है, क्या उनका जोश, क्या उनका जुनून है। तो आइए मिलवाते हैं दोस्तों। अरे नमस्कार, नमस्कार जी भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अजीत दलवी। अच्छा अजीत दलवी। दलवी तो सर कहाँ से आप मतलब से जर्नी अपनी स्टार्ट किए हैं? मैं महाराष्ट्र से चालू किया, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। अच्छा उधर से मैं स्टार्ट किया। ठीक ठीक। उधर से गुजरात स्टैचू तक गया। अच्छा। गुजरात से एमपी, एमपी से राजस्थान। अच्छा। राजस्थान हरियाणा करके दिल्ली। दिल्ली। एक परसों हरियाणा में रुका था। अच्छा। कल मैं पंजाब में आया। अच्छा। उसके बाद अभी अमृतसर जाएगा। अच्छा। ऐसा मेरा रूट रहेगा, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, ऐसा मेरा रूट रहेगा और 3 महीने का मेरा रूट है। और इसका ये है कि मैं शहीद जवान का अपने देश के लिए, वो लोग ने जान दिया उनके लिए मैं श्रद्धांजलि देने के लिए वो ऑल इंडिया साइकिलिंग कर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इन्होंने एक आगे बोर्ड लगाया हुआ है ऑल इंडिया साइकिलिंग और इतना किलोमीटर 15,000, दो किलोमीटर वीर शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टार्ट पॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेजोगोन डॉक लिमिटेड मुंबई, और ये अपना स्टार्ट किया कितना 26 सितंबर से स्टार्ट किया। क्या बात है, आप देख सकते हैं दोस्तों भाई साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं और बकायदा पीछे लगाए हैं और देख सकते हैं दोस्तों, ये होता है जुनून दोस्तों जिंदगी में कुछ करने का। तो ठीक है दोस्तों, भाई साहब से मिलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो देखते हैं, उनको जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। दोस्तों आपने पिछले अभी देखा कि मैं एक भाई से मिला था जो कि महाराष्ट्र से चलकर साइकिल पर ऑल इंडिया टूर कर रहा है। और दोस्तों हुआ ये, इससे पहले आपने देखा कि कुछ राइडर जो अभी लग्जरी बाइक से जा रहे थे, तो मैं आ रहा था, जैसे ही फ्लोर से आगे निकला तो क्या हुआ कि एक राइडर बाइक खड़ा था जो है कि उससे बाइक लगी थी, अभी जो महंगी बाइक थी कब वो खड़ी थी। तो मैं रोक के मैं बोला, हेलो सर, क्या बाइक की ओर से क्लिप ले सकता हूँ? बाइक ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों गजब की बेइज्जती हुई यार। चलो कोई बात नहीं है, उसका एटीट्यूड था जो भी कुछ था, अगर मैं एक क्लिप ले लेता तो उसमें क्या रह जाता, बाइक से मैं टेप नहीं ले रहा था। पर दोस्तों गजब की बेइज्जती महसूस हुई, माँ का सब गजब का फील हुआ, बैड फील हुआ। दोस्तों ये होता है दोस्तों लोगों में कि एक बड़ा यूट्यूबर बन जाए तो लोग कि गजब का एटीट्यूड दिखाने लगते हैं। वैसे दोस्तों ऐसा कहना नहीं चाहिए, अगर कोई राइडर है, अगर BMW बाइक होगी, बाकी आप सबका प्यार मोहब्बत ऐसे बना रहे, आप सबका साथ ऐसे बना रहे। दोस्तों एक दिन अपना भी सपना पूरा होगा, बड़ा बनना, बड़ा यूट्यूबर बनने का। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये थी अपडेट, बाकी कुछ देर के लिए बैड फील हुआ दोस्तों, बाकी कोई बात नहीं है, हर किसी का अपना अपना एटीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं मगवाड़े लगभग पहुँचने वाला हूँ और से दोस्तों निकलना है होशियारपुर के लिए, होशियारपुर से फिर हिमाचल आएगा, हिमाचल से फिर जो हिमाचल की चढ़ाई है वो शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों होशियारपुर यहाँ से 26 किलोमीटर है। दोस्तों अभी मैं हूँ होशियारपुर वाले रोड पर, और दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ट्रक जो है कि कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ है, सीधा पेड़ में टकराया हुआ है, आप देख सकते हैं, और पेड़ भी बिल्कुल टूट गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं, और साथ में पेट्रोल पंप है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। होशियारपुर में हूँ और मेरे पीछे देख रहे हैं ये चौक है दोस्तों, ये बिल्कुल होशियारपुर के बीचों बीच में मैं रुका हूँ, और आगे दोस्तों जो चौक आएगा, चौक से हमें लेफ्ट होना है, लेफ्ट होके हमें आगे निकलना है। ठीक है दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी मैं हूँ होशियारपुर के माता चिंतपूर्णी चौक पर, आप ये देख सकते हैं एक बड़ा सा सुंदर सा गेट बना हुआ है, और आगे पुल है दोस्तों, अब हमें सीधा ही निकलना है
ये पुल सीधा चिंतपूर्णी माता की तरफ जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों अभी कुछ देर के लिए मैं रुका हूँ, थोड़ा सा बाइक का काम हो गया और बाइक में थोड़ा सा चैन उसके साथ ढीली हो गई, उसको ठीक करवा रहा हूँ क्योंकि ढीली होने की वजह से थोड़ा सा उसमें आवाज़ सी आ रही थी और स्पीड उतना पकड़ नहीं रही थी, इसलिए थोड़ा सा उसको टाइट करवा दूँ। काफी ढीली हुई थी ना, स्पीड नहीं पकड़ रही थी। ठीक है दोस्तों, बाइक को ठीक करवा के फिर आगे निकलते हैं। दोस्तों सामने पहाड़ आप देख रहे हैं, पहाड़ यहाँ से शुरू हो चुका है और पास में दोस्तों माता की कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, कितना सुंदर है दोस्तों यहाँ पर। और ठीक है दोस्तों, माता जी के दर्शन करते हैं, जय माता दी, और चलते हैं दोस्तों फिर आगे। यह दरगाह हजरत बाबा जी की है, आप देख सकते हैं। चिंतपूर्णी माता जाने से पहले जो है कि यहाँ पर दर्शन करना ज़रूरी होता है। दरगाह हजरत बाबा शाह गुरशाह शाह जी, आप देख सकते हो। आगे दोस्तों चढ़ाई शुरू हो जाएगी, चलते हैं। दोस्तों यहाँ से चढ़ाई शुरू है और अब दोस्तों ये आगे जाने के बाद ये हिमाचल शुरू हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। स्वागत है आपका पहाड़ों में, तो आइए दोस्तों चलते हैं पहाड़ की खूबसूरत वादियों में। दोस्तों आपका स्वागत है हिमाचल की खूबसूरत वादियों में। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त हरियाली है, हरियाली आपको नजर आएगी हिमाचल में। बाकी दोस्तों रास्ता आप देख रहे हैं कितना घुमावदार है, बस घूमते जाओ अपनी साइड पर। दोस्तों यहाँ पर अपनी ही साइड पर चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी साइड नहीं छोड़ना है, रॉन्ग साइड नहीं, थोड़ा सा भी भूल कर भी रॉन्ग साइड नहीं जाना है। आप देख सकते हैं कितना घुमावदार है ये रास्ता। जय माता दी, जय माता दी। तो कांगड़ा यहाँ से 99 किलोमीटर ज्वाला जी है, 61 किलोमीटर माँ चिंतपूर्णी, 35 किलोमीटर मगलोड़गंज, 112 किलोमीटर दोस्तों